तो भाई वो देख सकते हो खड़ी है अपनी बीस्ट जाने के लिए। तो मैं यहाँ पाजी के ऑफिस में आया हूँ, और भी गाड़ियाँ देख सकते हो। यहाँ पे एक डिलीवरी नोट है, वो साइन होना है। प्रॉपर प्रोफेशनली काम करते हैं पाजी। तो भाई बारिश शुरू हो चुकी है, तो अभी हम फतेहगढ़ साहिब पहुँच चुके हैं। फतेह, ये मेरा बेटा फतेह, देखो फतेह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी क्लेयर, और आज हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और आज मैं अपनी ड्रीम कार, जो मेरा बचपन का सपना था, वो खरीदने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आया मेरा ब्रदर यूवी, छोटा भाई है मेरा, मेरी वाइफ मीनल सनी क्लेयर, और मेरा बेटा फतेह। और फतेह कैसा है? तो फतेह बड़े ध्यान से कैमरे को देख रहा है। तो यूवी कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत ही अच्छी। अब देखते हैं जाकर न्यू कार। यस, तो अभी हम पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हैं। तो एक्चुअली मैंने बताया नहीं, मैंने जो कार है अपनी, वो पाजी से ही मैंने परचेज की है। तो वो कार कौन सी है ये मैं आपको, आगे आप वीडियो देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं कार की डिलीवरी लेने के लिए, आइए आपको भी साथ ले चलते। तो भाई हम आ गए हैं दिल्ली रोड पर। तो हम फतेहगढ़ साहिब से, जो दिल्ली को रोड जाता है राजपुरा को, उसी रोड पर हैं। तो ये अपनी पुरानी होंडा। भाई आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। फतेह इतनी इतनी ज्यादा शरारत कर रहा है ना, टिक ही नहीं रहा बिल्कुल भी। भाई यार बारिश देखो, हम जितनी जल्दी कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं, क्योंकि शाम को 5 बजे लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हो रही है। देखो यार, अब से सिर्फ 100 मीटर पहले इतनी ज्यादा बारिश थी, और यहाँ पे देखो बिल्कुल ही बारिश है ही नहीं। क्या बात है यार, कुदरत की भी क्या बात है। तो यार फतेह देखो अपना क्या कर रहा है बेटा मेरा। फतेह, इसे कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्या करना, इसे बस अपनी शरारतों से है। ना दूध की बोतल फेंक देगा ये बाहर। तो यार यहाँ देखो बिल्कुल यहाँ पे सूखा है। इसे पंजाबी में हम लोग कहते हैं बन्ने ना बन्ना छड गया। यार ये देखो बिल्कुल ही सूखा रोड है। चलो छोड़ो यार, हमें तो अपनी गाड़ी की डिलीवरी की है कि हमने गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, बस बारिश से पहले पहले और लॉकडाउन से पहले हम घर पहुंच जाए। यार भाई इस गाड़ी के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं सारी रात सो नहीं पाया। समझ लो जब आपने सुबह गाड़ी लेनी हो, तो अगर आपने रात को आप सो गए, तो समझ लेना कि आप परफेक्ट कार नहीं चूज कर रहे। जब गाड़ी की डिलीवरी से एक दिन पहले आप सारी रात जा के निकाल देते हो, तो समझ लेना कि आपने अपना शौक पूरा कर लिया, आपने वही गाड़ी ले ली। तो आइए आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाहो ऑटो डिजाइन पर। तो बहुत ज्यादा खुश है सारे। तो यूवी बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए, हमेशा बोलता था कि मुझे भी जाना है गाड़ियाँ देखने के लिए। तो यूवी अभी देख लो गाड़ियाँ यहाँ पे। तो अभी पाजी ने गाड़ी वॉश करके सारा उसका काम वाम करके खड़ी की है। तो आओ आपको हम दिखाते हैं गाड़ी ना। खजाने की फोटो फिर भी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि हाँ भाई खजाना देख लो एक बार आप। हवा बहुत तेज है और मैं वीडियो फोन से शूट कर रहा हूँ, अगर डिस्टर्बेंस आए तो भाई सॉरी। तो भाई ये अपनी बीस्ट, पूरी फैमिली हमारी पहुंच चुकी है फतेह। मिनल देखो भाई, फर्स्ट टाइम यूवी बैठ रहा है गाड़ी में। ओ वाह फतेह, वाह बेटा। भाई अंदर से पाजी ने पूरी लेदर रैप की है गाड़ी। तो बाकी अभी थोड़ा बैठ के
तो भाई वो देख सकते हो खड़ी है अपनी बीस्ट जाने के लिए। तो मैं यहाँ पाजी के ऑफिस में आया हूँ, और भी गाड़ियाँ देख सकते हो। यहाँ पे एक डिलीवरी नोट है, वो साइन होना है। प्रॉपर प्रोफेशनली काम करते हैं पाजी। तो वो अभी अपने घर जाने के लिए गाड़ी तैयार बर तैयार है। तो इधर कस्टमर्स को और भी गाड़ियाँ दिखाई जा रही है, मे बी LC के ही कस्टमर है। तो आगे पाजी नीचे से। दोस्तों ये है पाजी का ऑफिस। ये कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं। तो ये ऑफिस है पाजी का। यहाँ पे अभी पेपर्स का कर रहे हैं पाजी, डिलीवरी नोट बनाने लगे हैं। ये देखो कार लवर्स जो बंदे होते हैं वही, वो हर चीज़ कार्स के रिलेटेड ही रखते हैं। ये देखो जो सीट्स है बैठने के लिए, वो भी एकदम अलग है। अगर कोई ऐसा ऑफिस क्रिएट करवाना चाहता है तो भी पाजी से कांटेक्ट कर सकता है। ओरिजिनल BMW का फ्रंट बोनट लाइट्स वगैरह का टेबल बनाया हुआ है। थोड़ी सी डस्ट है क्योंकि पाजी ऑफिस में नहीं बैठते, वो खुद वर्कशॉप में बैठ के काम करते हैं। यही रीज़न है कि थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है। जो मेहनत कश लोग होते हैं वो कुर्सी पर बैठ के काम नहीं करते खुद। तो अभी मेरे को गाड़ी की डिलीवरी पाजी ने दी है, तो पेपर वर्क का जो काम है वो अभी कर रहे हैं। ये गाड़ी की पूरी डिटेल पाजी फिल कर रहे हैं। पाजी इसका क्या फायदा होता है अगर कस्टमर को, ये क्यों कराते हो आप? इसलिए होता है जी, बिकॉज गाड़ी आज के पहले जो जिम्मेदारी है मेरी है। हाँ जी, आज के बाद जिम्मेदारी गाड़ी की आपकी होगी। इसके पहले कोई कोर्ट केस हो, कोई चलान हो, कुछ भी हो, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है जी। गवर्नमेंट का रूल है कोई भी गाड़ी देने से पहले हाँ डिलीवरी नोट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आज के बाद कोई भी जिम्मेदारी हो, रोड के ऊपर खुदा ना खासा कुछ हो, वो जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, आज लेट हो चुके, मैं आपको रफ बना के दे रहा हूँ। ठीक है, जब नेक्स्ट आओगे तो पक्का बना के पक्का बना लेंगे। मतलब एक एफिडेविट टाइप आप बना रहे हो। तो दोस्तों वो फाइनली वो दिन आ गया। एक्चुअली आज मेरा कैमरामैन साथ में नहीं है, तो मैं अपनी वीडियो फ़ोन से ही बना रहा हूँ, इसलिए मैं बैक कैमरा हूँ। तो गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए मेरी फैमिली सामने खड़ी है पाजी। डिलीवरी की जो की जाए वो, तो पाजी थोड़ा सा बताओ जी पाजी ने। हाँ जी, ये 2 महीने पहले तकरीबन मेरे पास आए थे सनी जी एज अ कस्टमर, बट करते 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 इनकी इनिशिएटिव से ये वीडियो बनी, और अब वो दिन भी आ गए इनको हम ये गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं। एंड ही विल बी ड्राइविंग कम्फर्टेबली एंड होपफुली सब अच्छा रहे। और 2 महीने में हमने गाड़ी पूरी इनके मुताबिक तैयार करी है, जो जो चीज़ें ये चाहते थे गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, आगे आपको सारे फंक्शन वगैरह समझाऊंगा जी। एंड नाउ इट्स रेडी फॉर डिलीवरी। चलो जी आओ आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मेरी डिमांड थी, इसीलिए थोड़ा 2 महीने लग गया। अगर आपका टाइम कम लगाओ आप तो एक्चुअली देखो जी, डिलीवरी के टाइम 70 मैट्स है गाड़ी में। बकेट फिट सीट कवर्स नए डाल के दिए। सारा इंटीरियर गाड़ी का है जो वो लेदर रैप किया गया है। पाजी जो लेदर रैप करने की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी। तो पाजी मुझे इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, थोड़ा सा मुझे समझाओ जी। इसमें जी इस गाड़ी के अंदर हाइट कंट्रोल है, या हाइट कंट्रोल स्विच होता है। ठीक है जी। गाड़ी ऊपर मोड भी इसमें होता है। ठीक है जी। ये 4x4 है, हाई लो। ठीक है जी। ऑटोमेटिक है बिल्कुल। इसका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है सारा। ठीक है जी। आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है गाड़ी का। हाँ जी भाजी, स्क्रीन भी इसकी चल रही है उस टाइम से। हाँ जी, वाओ जी, हाँ जी। तो जापानीज में स्क्रीन है गाड़ी की। हाँ सारी लैंग्वेज यहाँ से इसको टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है जी, आप हो जाएगा बिल्कुल जी। यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये ऑफ है तो यहाँ से कम्प्लीट ऑफ हो जाएगा। ओके, और यहाँ से ऑटो दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ चल पड़ेगा। ठीक है भाजी, ठीक है जी। इधर से हो गया, ये आपका साउंड सिस्टम लगा हुआ है। हाँ जी, ये आपका सामान रखने के लिए जगह बनी पड़ी है। ठीक है जी। वैनिटी मिरर्स लगे हैं इसमें। ठीक है जी, ठीक है जी। वैनिटी मिरर बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैनिटी मिरर्स लगे हुए हैं। हाँ जी। आपका सनरूफ है। ओके, ये आपका सनरूफ है। ठीक है भाजी, वर्किंग
क्या बात है। उसके बाद फिर ये आपका बूट स्पेस, सेंटर बूट स्पेस है, ठीक है जी, बूट स्पेस आपका, हाँ जी हाँ जी। और ये सब तो फंक्शंस है गाड़ी के अंदर, बाकी तो खैर देख ही रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है जी। डिजिटल मीटर सारा, ओके, गाड़ी ऑफ करेंगे सब कुछ ऑफ हो गया, ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। जैसे आप ऑन करेंगे इसका डिजिटल मीटर है, ठीक है जी, ये डिजिटल ऑन हो गया, बिल्कुल जी बिल्कुल ऑन हो गया आपका, ठीक है जी। तो टीवी भी होता है, ठीक है जी, टीवी है जो हमारा DD1 DD2 होता है, हाँ जी, वो ये कैच करता है, ठीक है भाजी, ठीक है जी, ठीक है। ये बैग लगे हैं, दो एयर बैग है गाड़ी में, हाँ जी सर, दोनों लगे हुए हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें पाजी ने गाड़ी के फंक्शन वगैरह समझाए। मेरी गाड़ी को इसलिए टाइम लग गया क्योंकि गाड़ी पे काफी ज्यादा काम करना था, तो काम करना पड़ा, इसीलिए पाजी ने फिर टाइम लगा दिया। अगर आप लेते हो तो आपको रेडी भी मिल जाएंगी गाड़ियां, पाजी के पास अवेलेबल है रेडी भी गाड़ियां। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, गाड़ी का फुल रिव्यू मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा कि कैसे कैसे पाजी ने इसमें काम किया है। तो अभी चलते हैं गाड़ी को लेके घर। तो भाई थोड़ी सी निकाल दो जी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई, बचपन का जो ड्रीम है वो आज पूरा होने जा रहा है, लैंड क्रूज़र लेने का 100 सीरीज़, तो इसका एक क्रेज था। तो भाई बैठ गए हैं यूवी और फतेह गाड़ी में, शुरू करता हमने। यूवी कैसी है गाड़ी? ट्रक जी बैठी, क्या बात है यार, फर्स्ट टाइम अपने लैंड क्रूजर में बैठा हूँ, साथ में फतेह और मेरा भाई यूवी है। फतेह को बस शरारत चाहिए, तो बस अभी घर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें तेल डलवा लें। भाई क्या ट्रक है यार, अभी ये वाली गाड़ी मैं लेके आ रहा हूँ और पीछे मेरी वाइफ और मेरा छोटा ब्रदर और बेटा दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि एक बंदे को तो बेटे को पकड़ के बैठना पड़ता है, तो जो फ्रंट विंडशील्ड है वो थोड़ी सी गंदी हो गई। तो यार बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली सपना पूरा कर लिया लैंड क्रूजर लेने का। तो अभी लैंड क्रूजर में बैठा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ और घर से बस 4-5 किलोमीटर दूर हूँ। गाड़ी का जो रोड प्रेजेंट है बहुत ही जबरदस्त है भाई। इस गाड़ी पे अभी मैं आपको डीपली, मेरा रिव्यू आएगा डीपली, काफी ज्यादा वीडियोस इस गाड़ी के रिलेटेड मैं लेके आऊंगा। ये लैंड क्रूजर 100 सीरीज की 101 है, टॉप मॉडल, जिसमें टच स्क्रीन, हीटेड सीट्स, हाइट कंट्रोल, एवरीथिंग, हर चीज इस गाड़ी में आती है, फुल पैकेज है, लक्सस पैकेज में ये गाड़ी 101 100 सीरीज की। तो मेरा बचपन का ही सपना था, बचपन का ही मेरा शौक था कि मुझे 100 सीरीज की लैंड क्रूजर परचेज करनी है कभी ना कभी, तो वो मैंने, आज मेरा सपना पूरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपनी जो खुशी है आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूं। अभी आप देख सकते हो पाजी ने जो काम किया है वो किस लेवल का काम किया गया है। तो भाई अभी घर पहुंचने वाला हूं, तो वीडियो का एंड घर पहुंच के कर दूंगा, तो बाकी जो इसका वीडियो है वो आते रहेंगे काफी ज्यादा, हर चीज मैं इसके बारे में डीपली बताऊंगा आपको, कितनी सर्विस कॉस्ट है, गाड़ी का क्या खर्चा है, लैंड क्रूजर रखने के क्या फायदे क्या नुकसान, हर चीज, और मैंने लैंड क्रूजर ही क्यों ली, मेरे पास इस बजट में कौन कौन सी और गाड़ियों की ऑप्शन थी। क्रूजर अपने गली में आ गई, तो यार इतनी जगह में से तो जाएगी भी नहीं भाई, किसी दोदी ने आगे अपनी बाइक लगाई हुई है, चलो आके हटा देगा भाई, जहाज जैसी तो गाड़ी है ये, पूरी जो गली है इसने प्रॉपर पूरी कवर की हुई है। तो अभी यूवी दूसरी गाड़ी से उतर के इधर आया, वाओ हौली फतेह, हैं प्लॉट दी चाबी तो मेरे को भी नहीं हैगी, हाँ जा लिया माड़ा जी, मैं घर फड़ाया, हाँ जा चाबी लेके, अमेज भी उधर रामलीला ग्राउंड च। तो फाइनली अंकल ने साइड पे कर दी, तो जहाज है भाई वो देखो, यूवी कितना एक्साइटेड है, अभी यहाँ पे लगेगी दूसरी गाड़ियों के साथ, ये लॉक के अंदर लगाएंगे इसको, तो अभी वो चाबी लेने गया है। तो भाई अभी घर पहुंच चुके हैं, मास्क उतार देते हैं, तो डैडी आ गए गाड़ी अपनी देखने के लिए। डैडी पूरे एक्साइटेड थे। डैडी कैसी गाड़ी है? गुड। तो यूवी तू बता भाई, गल बात सिरा। तो मीना तुम्हें कैसी लगी गाड़ी? एकदम बोले तो रैपचिक भाई, जो गाड़ी की रोड प्रेजेंट है ना वो भी देखने लायक है, गाड़ी कहते हैं ना पूरा राह
घेरती है जिन्हों पंजाबी कहते भी पूरा राह मलदी है पूरी सड़क घेर के चलती है पूरी सड़क घेर के चलती है रोड प्रेजेंट इसका इतना ज्यादा है। तो मैं इससे पहले जो नॉर्मल गाड़ी थी वो यूज करता था। तो अभी भाई गाड़ी को करते हैं बंद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट इस गाड़ी के बारे में आने वाली है, तो कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी अपनी गाड़ी। बाय बाय।